आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं बिपिन यादव और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं लेटर सीरीज, बहुत ही परेशान करता है स्टूडेंट को एग्ज़ाम में। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग आज करेंगे। और इससे पहले मैं आपको जानकारी दे दूं कि हम जो वीडियो अपलोड करते हैं, यानी मेरा जो भी वीडियो होता है, एक शाम के 5 बजे और सुबह के 5 बजे। रीजनिंग सुबह 5 बजे मैं अपलोड करता हूं और मैथ शाम के 5 बजे डेली अपलोड होता है, 2 वीडियो डेली। तो आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में भी, और पूरा टाइप बाय टाइप हम आपको पढ़ाते जा रहे हैं। अभी मैंने आपको क्लॉक पढ़ाया था, कैलेंडर पढ़ाया था, अभी आपका लेटर सीरीज। आज के क्लास में ही ये ख़त्म हो जाएगा। आप लोग की फरमाइश होगी तो और वीडियो इसका बनेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ ख़त्म हो जाएगा। नहीं होगा तो हम एक वीडियो और इसके लिए और क्वेश्चन करवाएंगे। दोस्तों लो लेवल हाई लेवल सारे क्वेश्चन मिक्स करके ही हम आपको पढ़ाने वाले हैं और आपको एकदम बिल्कुल समझ में आएगा, और इतना कम समय में आप आज के बाद से बना पाएंगे जो आप सोच नहीं सकते। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। और अगर आप नए हैं अभी चैनल सब्सक्राइब मत कीजिए, पहले पूरी वीडियो को देखिए, अच्छा लगे आपको समझ में आए, आपके लायक ये चैनल हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। एक दिन में 11,000 सब्सक्राइबर बढ़ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, ये पिछले दिनों की बात है। तो इस तरह से अभी सब्सक्राइबर गेन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, इसका वजह है कि आप लोग हमारे वीडियो को शेयर करते हैं। और चलिए हम शुरू करते हैं आज के क्लास को। दोस्तों इस सवाल को पूछने का कई तरीका हो सकता है, एक ही सिस्टम में सवाल नहीं होता है। कभी कभी देखिए इसका तो तरीका है कि पहले इसे हम काउंट कर लेते हैं और इसको हम तोड़ लेते हैं कि कितने कितने के ग्रुप हम बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 है, तो 18 में हम ग्रुप क्या क्या बना सकते हैं। 18 को जो जो संख्या काटेगा हम उसका ग्रुप बना सकते हैं, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का ग्रुप हम बना सकते हैं। 2 का हम नहीं बनाएंगे क्योंकि बहुत छोटा छोटा हो जाएगा, 9 बहुत बड़ा बड़ा हो जाएगा, सोचने में मुश्किल हो जाएगा, 3 और 6 हम कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होगा कि सवाल वैसे सिस्टम में ही नहीं होगा जो आप इसको बना सकते हैं, लेकिन चेक जरूर करना चाहिए आपको। सबसे पहले आप देखिए 3 में अगर बनाते हैं तो बताइए कोई सिस्टम मिलना चाहिए। जैसे देखिए 3, 3 का 1, 2, 3, 1, 2, 3 यहाँ छोड़ देते हैं, 1, 2, 3। अब देखते हैं फिर 1, 2, 3 आप यहाँ पर देखिए, फिर 1, 2, 3 आप देख रहे हैं, ए यहाँ लास्ट में सी है, मतलब इस ग्रुप के तीसरा लेटर सी, तो इस ग्रुप के तीसरा लेटर नहीं पता है। हाँ इसका तीसरा लेटर सी है, लेकिन इस ग्रुप के तीसरा लेटर सी नहीं है, इस ग्रुप के तीसरा लेटर सी नहीं है, अलग अलग हो रहा है, यानी ऐसे ही नहीं चलेगा। दोस्तों ये ना तो 3 के ग्रुप चलेगा ना 6 के ग्रुप चलेगा। ऐसी स्थिति में आपको एक चीज़ और दिमाग में रखना होगा। एक तो ये तरीका है, अगर ऐसे नहीं सोचा रहा है तो आपको ये भी देखना है क्या कहीं पर ज़्यादा ज़्यादा लेटर दिया हुआ है, क्या कहीं पर ज़्यादा लेटर दिया हुआ है। बिल्कुल दिया हुआ है। आप देखिए यहाँ पर एक लेटर, यहाँ 3, यहाँ 3 और यहाँ 3, 2, 5 लेटर, फिर 2 लेटर, तो जो सबसे ज़्यादा लेटर हो वहाँ पर जाके एक बार आपको सोचना चाहिए। आप देख रहे हैं 3 गो बी है, क्या 2 गो ए है, इसको 3 गो ए बना सकते हैं, इसको 3 गो सी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए 3 गो सी, 3 गो बी, यहाँ ए रख दिए, 3 ए, 3 बी, 3 सी। अब इधर क्या है, 2 सी है, इधर 2 ए है, तो 2 बी भी बन जाएगा, 2 सी, 2 बी, 2 ए। अच्छा 1 सी है, 1 ए है, तो 1 बी बना सकते हैं। यानी दोस्तों देखिए ग्रुप कैसा बना आपका, समझे, 1 ए, 1 बी, 1 सी, AA, BB, CC, AAA, BBC। हमने लिया क्या, बी लिया, यहाँ पर बी लिया, यहाँ पर ए लिया, यहाँ पर सी लिया, BBC, BBC। आपका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। चलिए देखिए एक बात और, एक ही बार में सारे टाइप के सवाल आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ आप जैसे बचपन में बताइए साइकिल चलाना सीखे थे तो क्या पहला दिन ही स्पीड चला दिए थे, नहीं ना। लेकिन आज आप साइकिल चलाने में लहरिया कट चलाते होंगे,
तो आदमी देख के आँख फाड़ फाड़ के देखता होगा कि ये तो धूम थ्री भी फेल है इसके सामने। यानी दोस्तों सेम वही बात यहाँ भी होता है। अभी सारे टाइप हम आपको सिखाएंगे। एक टाइप तो ये देख लिए कि झुंड वाला रहेगा ऐसे बनेगा, फिर देखिए अगला टाइप। आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं कैसे कैसे इसको बना सकते हैं। मैं आपको पहले ही बता रखा हूँ कई तरीके से हम इसे सोच सकते हैं। आइए, और हाँ जब सोचिएगा लगातार तभी सोच पाइएगा, पहले रुक जाइए। यहाँ देखिएगा ज़रा, पहले तो आप गिन लो इसे, एक तरीका वो भी है। दूसरा तरीका आप ऐसे सोचो कि ये झुंड में तो है ही, झुंड में है तो हम क्यों ना ऐसा करें। इसको देखिए, देखिए सब जगह यहाँ से वहाँ देखिए, देखिए जहाँ ज़्यादा लेटर है वहाँ आइए, डबल बी डबल ए। अच्छा देखिए डबल ए है ना, तो डबल ए के बाद डबल बी हो जाता तो ऐसा हम कुछ कर सकते हैं। देखिए कैसे, जैसे यहाँ डबल ए है, इसके बाद एगो बी बैठा दे, डबल ए है इसके इधर बी, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए। इसको छोड़ दीजिए अभी, रुक जाइए, बी सम है। अब देखिए यहाँ पर डबल ए है, यहाँ पर बी बैठा दे, डबल बी हो जाएगा, डबल ए डबल बी है, यहाँ ए क्या हो गया, डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए। आगे नहीं है, जोड़ा नहीं है, आगे फिर डबल बी चलता, आगे संख्या नहीं है, मतलब एगो छूट जाए इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये विषम होगा, जोड़ा में नहीं है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस, उन्नीस है यानी जोड़ा नहीं है, इसीलिए टेंशन नहीं लेना है। अब दोस्तों आपका आंसर हो गया कि पहला लेटर ए, यहाँ है बी, यहाँ है बी, यहाँ है लास्ट में बी, यानी ए ट्रिपल बी, ए ट्रिपल बी ऑप्शन सी। लेकिन हो सकता है आप शुरुआत में ऐसे नहीं सोच पा रहे हों, तो देखिए फिर हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, इसको काउंट कर लेंगे। तो काउंट कर लिए तो कितना बार आया, 19 बार आया। दोस्तों 19 आया तो पेयर हम नहीं बना सकते, तो 19 में एक घटा देंगे तो कितना, 18। 18 में हम 3 का और 6 का पेयर बनाएंगे, 9 का भी कर सकते लेकिन 9 बड़ा हो जाता है, तो जनरली 3 और 6 में ही बनाइए, या तो 3 3 का पेयर या 6 6 का। लेकिन देखिए सीरीज बनना चाहिए, 1 2 3 बी पर ख़त्म, 1 2 3 फिर बी पर नहीं ख़त्म हो रहा है, नहीं सीरीज बन रहा है, फिर यहाँ से चलिएगा 1 2 3 ए पर ख़त्म, आ 1 2 3 बी पर ख़त्म, यानी सीरीज बन ही नहीं रहा है, 3 वाला में नहीं बन रहा है। 6 वाला में लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 ए पर ख़त्म, 1 2 3 4 5 6 बी पर ख़त्म, नहीं सीरीज बन रहा है। दोस्तों ये भी गड़बड़ा रहा है, आपको क्या करना चाहिए, 19 में से एक नहीं कुछ ज़्यादा घटा लीजिए, 19 में से 16 बनाने का प्रयास कीजिए, 19 में से 3 घटा देंगे तो 16। अब चलिए 18 से नहीं हुआ, 17 का पेयर नहीं बनता था, 16 कर लिए, 4 4 का करके देखिए, 1 2 3 4 ठीक है, तो बी पर ख़त्म, 1 2 3 4 बी पर ख़त्म, 1 2 3 4 4 यानी बी पर ख़त्म। अब बताओ 1 2 3 4 देख लेंगे, 1 2 3 3 है, यानी अब ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, सुनिए 4 4 4 4। अब देखिए यहाँ डबल बी है, ए है और बीच में खाली है, इसका मतलब यहाँ देखिए एक बी है, इस बी से पहले बी तो इस बी से पहले बी हो जाएगा, यानी यहाँ डबल ए डबल बी बना, तो डबल बी है, यहाँ डबल ए डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी डबल ए डबल बी, और यहाँ आगे जोड़ा नहीं है इसका, ना तो डबल ए डबल बी होता। अब क्वेश्चन में नहीं है तो हम लोग क्या करेंगे, यानी हो गया ना डबल ए डबल बी 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 डबल ए बी, आगे एक और रहता तो और अच्छा लगता, लेकिन क्वेश्चन इतना ही दिया है तो हम लोग को अपना मन से नहीं वहाँ पर लिख देना है, ठीक है। ये सीरीज बन गया, आपका आंसर हो गया, देखिए पहले आपने ए लिया, उसके बाद बी लिया, उसके बाद बी लिया, उसके बाद बी लिया, ए ट्रिपल बी, आपका आंसर ऑप्शन सी है। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, एक बात और, ये पहली बार आप समझ रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मुश्किल आपको लग रहा होगा, लेकिन प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। हाँ, क्या भाग जाना समस्या का समाधान है दोस्तों? अगर आपसे ये सवाल गलत होता है तो अनेकों स्टूडेंट से ये गलत होता है, और आप अगर सही बना के आएंगे एग्ज़ाम में
एक नंबर अगर सही करके आते हैं तो हज़ारों स्टूडेंट को पीछे छोड़ सकते हैं। और हमें इस क्वेश्चन को छोड़ने से कभी सही नहीं होगा, इसे लड़ना पड़ेगा और तब तक लड़ना पड़ेगा जब तक कि ये ना हार जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और कुछ। आइए दोस्तों बनाते हैं इस सवाल को। और दोस्तों एक बताओ, कभी कभी क्या होगा कि रिलेशन अल्टरनेट जाके मिलेगा। हो सकता है कि जो हम लोग डिवाइड कर देते हैं तीन या चार ग्रुप में, तो पहला से ना मिले, एक को छोड़ के बाद भी मिल सकता है। तो ऐसा ध्यान रखेंगे, हम लोग ऐसा क्वेश्चन भी करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पहले तो आप लेटर गिन लो। हाँ, अगर एक ही जगह ज़्यादा संख्या होता झुंड में तो हम वहाँ से भी सोच सकते थे। चलिए इसमें क्या करेंगे दोस्तों, गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। 20 गो है, तो 20 गो है तो 20 में हम 4 या 5 का पेयर बना सकते हैं। नहीं तो 5 को बाद में सोचिएगा, 4 पहले सोचना, क्योंकि ये थोड़ा आसान रहेगा, छोटा रहेगा। तो 1, 2, 3, 4 सी पर ख़त्म हो रहा है ना, 1, 2, 3, 4 कहाँ ख़त्म हो रहा है नहीं पता, 1, 2, 3, 4 नहीं पता, अब पते नहीं है, कोई आता तब पता चलता गड़बड़ है कि सही, लेकिन जब है ही नहीं तो नहीं पता। यहाँ सी पर ख़त्म हुआ है 1, 2, 3, 4, अगर बी रहता तो जानते कि नहीं हुआ, लेकिन यहाँ हो भी सकता है 1, 2, 3, 4 पता नहीं, 1, 2, 3, 4 हाँ आ तो रहा है, 1, 2, 3, 4 आ तो रहा है। यानी दोस्तों हम ये कहें कि 4, 4 का अगर इसको तोड़ते हैं तो हो जाता है 1, 2, 3, 4 हो सकता है। देखिए 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 अब लीजिए। इतना करने के बाद हम ये सोचेंगे, देखिए जिसके शुरू में डबल ए उसके लास्ट में सी है, डबल ए लास्ट में सी, डबल ए तो लास्ट में सी, डबल ए, डबल ए बी सी हो गया, डबल ए बी सी हो जाएगा, डबल ए बी सी हो जाएगा, डबल ए के बाद बी और सी, डबल ए के बाद बी और सी हो तो गया, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी, डबल ए बी सी हो गया सिस्टम। अब बताइए आपने क्या क्या लिया, यहाँ ए लिया, यहाँ पर क्या लिया बी लिया, यहाँ पर हाँ बी के बाद सी भी लिया है, फिर सी लिया है और बी और फिर बी लिया है, ए बी सी सी बी बी कहाँ पर है, ए बी सी सी बी बी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तब आप सारे टाइप के सवाल को कर पाएंगे। आइए बढ़ते हैं इस सवाल को। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को रोक कर आप खुद बनाने का पहले प्रयास करें। इस वीडियो को रोक दीजिए और आप पहले बनाइए इसे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपने ऐसा किया होगा, वीडियो को रोक के इस सवाल को बनाने का प्रयास किया होगा। अब चलिए मैं बनाता हूँ इसे। दोस्तों पहले काउंट कर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 12 गो है, तब 12 गो है तो आप 3 के पेयर बना सकते हो, 3 का या 4 का या 6 का बना सकते हो। हम सोचेंगे पहले इसी को, फिर 4 को सोचेंगे, क्योंकि 4 तो 12 भी होता है, 6 दुना 12 भी होता है, इसमें सेट कर गया तो ठीक है। तो देखिए हम अभी लाइन नहीं खींचेंगे। अब देखिए 1, 2, 3 ए पर ख़त्म, 1, 2, 3 ए पर ख़त्म हो रहा है, देखिए 1, 2, 3 ए पर ख़त्म, 1, 2, 3 ए पर ख़त्म हो रहा है, पेयर बन रहा है 1, 2, 3 ए पर ख़त्म हो रहा है, और यहाँ कोई नहीं है तो पता नहीं ए होगा या नहीं भी होगा। तो अब एक काम करें, अब लाइन खींच लीजिए, अब लाइन खींच लीजिए 3-3 गो का। अब आप देखिए यहाँ क्या है, डबल ए है तो यहाँ भी डबल ए बनाइए, तो बी डबल ए हो गया तो यहाँ बी दे दीजिए, बी डबल ए, बी ए है ही तो एक ए दे दीजिए, बी डबल ए, अब बी तो है ही है, डबल ए दे दीजिए, हो गया बी डबल ए। यानी दोस्तों आपने यहाँ ए लिया, यहाँ बी लिया, यहाँ ए लिया, यहाँ पर फिर डबल ए लिया, यानी ए बी ट्रिपल ए, ए बी ट्रिपल ए ऑप्शन सी में है दोस्तों। क्लियर है, मुझे उम्मीद है कि आपने भी इसे सही ही बनाया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों मैं चाहता हूं कि इस क्वेश्चन को भी आप वीडियो को रोककर पहले आप बनाने का प्रयास करें, फिर देखते हैं क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को रोककर बनाए होंगे। अब देखिए अब कैसे बनाएंगे, पहले काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20
20 है दोस्तों, तो हम क्या तोड़ सकते हैं, 4 में, 5 में, 10 में, 2 में, 2 नहीं लेंगे इसलिए कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 10 बहुत बड़ा हो जाएगा, 4 5 में जो छोटा है उसी को लेकर चलो। तो 1 2 3 4, तो ये भी देखना है कि ख़त्म 1 2 3 4 ख़त्म बी पर हो रहा है, तो फिर 1 2 3 4 फिर बी पर ख़त्म हो रहा है, 1 2 3 4 अभी नहीं पता, नहीं पता 1 2 3 4 बी पर ख़त्म हो रहा है, 1 2 3 4 बी पर ख़त्म हो रहा है, यानी एक जगह नहीं पता लेकिन बाकी जगह पता है। तो चलिए इसको अब ब्रेक कर दीजिए, 1 2 3 4, चलिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 हो गया। अब दोस्तों एक काम करते, अब देखते हैं ए बी है तो जहाँ ए बी है उसके पहले बी सी है, ए बी है तो बी सी है, बी सी ए बी, 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 हो गया सेट। आपने पहले सी लिया है, उसके बाद ए लिया है, उसके बाद यहाँ बी लिया है, उसके बाद यहाँ आपने कुछ नहीं लिया है, यहाँ पर सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी, सी ए बी सी ऑप्शन डी में है, हो गया ना दोस्तों। तो प्रैक्टिस होता है, जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे, आप फिर सोचिए ना अपनी ज़िंदगी में, आप जब बच्चे थे तो खाना खाते थे तो बचपन में आपका हाथ जरूरी नहीं कि एकदम मुँह में जाता था, अगल बगल कहीं भी लगा लेते थे खाना, नहीं, लेकिन आज इतना हैबिट हो गया है आपके पास कि अंधेरे में भी आपको रख दिया जाए, लाइट ऑफ करके खाना दे दिया जाए तो आपका हाथ माथे पर नहीं जाएगा, नाक पर नहीं जाएगा, आपका हाथ एकदम मुंह में जाएगा, यानी अभ्यास, अभ्यास बहुत बड़ी चीज़ होता है दोस्तों। भागने से तो ये सवाल आपसे कभी नहीं बनेगा, आप इससे लड़ेंगे तभी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन, आ जाइए देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों, यही क्वेश्चन तो अभी हम बनाए थे ना, यही बनाए थे, रिपीट है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप पहले क्या करेंगे, इसको रोक के वीडियो और इस सवाल को आप सॉल्व करेंगे। चलिए आपने ऐसा किया होगा और हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों एक बात मैंने आपसे कहा था कि जब झुंड में रहे, बहुत ज़्यादा झुंड दिखने लगे तो आप झुंड वाला को पकड़ के ही सवाल बना दीजिए। देखिए यहाँ एक गो, यहाँ तीन गो, यहाँ चार, एक पाँच गो, यहाँ 2 3 5 और 2 7 गो लेटर है, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ झुंड बड़ा होते गया ना, तो बड़ा वाला झुंड के पास देखिए सब कुछ मिल जाएगा। 4 गो B तब सी ए है, 4 गो B तब सी ए हो जाएगा। अच्छा 4 गो B, 1 2 3, 3 गो B, अब देखिए आप सोचेंगे 4 गो B इधर से कर देते सी ए तो गड़बड़ हो जाएगा, 3 गो B, 1 B यहाँ, 4 गो B और सी यहाँ रख दिए, ए हो गया, सी के बाद ए है, सी के बाद ए है, सी के बाद ए है, सी के बाद यहाँ ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। देखिए सी ए, सी ए 4 गो B, सी ए देखिए क्या हो गया, सी ए 4 गो B, सी ए 4 गो B, सी ए, सी ए 1 2 3 4, 4 गो B और फिर सी ए लास्ट में रह गया, अब आगे है नहीं, नहीं तो 4 गो B होता आगे और क्या। तो दोस्तों हमारा क्या क्या हमने लिया, ए लिया पहले, उसके बाद बी लिया, ए बी, उसके बाद सी लिया, सी के बाद फिर सी लिया, यानी हमने लिया ए बी डबल सी, ए बी डबल सी। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, अगर सच में अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और अगर चाहते हैं कि और क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ, एक वीडियो और बनाऊँ, तो ज़रूर कमेंट करिएगा, मुझे हज़ारों कमेंट चाहिए, कम से कम 1000 कमेंट तो चाहिए, आप बताएंगे कि सर और क्वेश्चन करा दीजिए तो मैं ज़रूर कराऊंगा, और आप लोग भी खुद से सवाल ज़रूर बनाइएगा, तरीका बस यही है पेयर बना बना के और केवल सोचना है दोस्तों। जब हम 10-20 क्वेश्चन खुद से बनाएंगे ना आप 20 क्वेश्चन, तो पक्का आप बहुत जल्दी बनाने लगेंगे, 2-4 सेकेंड के अंदर ही ख़त्म कर देंगे ऐसे सवाल को लगातार। देखिए क्या होता है, एक सिस्टम है इसका ना, आपने देख लिया सिस्टम, देख लिया कि कभी 3 में किए, कभी 4 में किए, है ना, सीरीज कैसे पकड़ना है, तो ये तभी हो पाएगा जब आप लगातार इस पर अभ्यास करेंगे, ये तो पकड़ना है, इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करना है। तो कहा गया रीजनिंग, यानी जिन प्रश्न के माध्यम से आपके बौद्धिक क्षमता को जांचा जाता है, टेस्ट किया जाता है, उसे ही हम रीजनिंग कहते हैं। तो आपके बौद्धिक क्षमता कितना विकसित है इससे टेस्ट लिया जाता है, तो ये तभी होगा जब हम चीज़ों को सोचेंगे। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं,
वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगली वीडियो में।